हाय एवरीवन, मैं प्रियंका और आपका स्वागत है होम एंड मचमोर में। आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ गीक रोबो कुक जीटा 5। ये एक तरह का इलेक्ट्रिक प्रेशर कुकर है, यानी प्रेशर कुकर जो कि इलेक्ट्रिसिटी पर चलता है, नॉर्मल गैस स्टोव पर नहीं। तो प्रेशर कुकिंग के अलावा इसमें और भी काफ़ी सारी चीज़ें की जा सकती है जो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगी। पहले तो हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक प्रेशर कुकर दिखता कैसे है और इसमें कौन कौन से पार्ट्स है, क्या फीचर्स है, फंक्शंस है, और साथ में देखेंगे एक रेसिपी डेमो। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अनबॉक्सिंग करने से पहले देख लेते हैं इसका बॉक्स। ये है गीक रोबो कुक जीटा 5 लीटर इलेक्ट्रिक प्रेशर कुकर का बॉक्स। इस बॉक्स के ऊपर ही आपको इसके सारे फीचर्स, स्पेसिफिकेशंस और जो भी इसमें इंक्लूडेड है, ये सारी चीज़ों की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अब इसे मैं बॉक्स में से निकाल लेती हूँ। तो आपको ऊपर एक बुकलेट मिलेगी और साथ में अंदर कुछ और बुकलेट्स हैं जिनके बारे में आगे मैं आपको बताऊँगी। इसकी पैकेजिंग काफ़ी अच्छी है, इस वजह से जो अंदर प्रेशर कुकर है ये डैमेज नहीं होता। तो इस तरह का है ये इलेक्ट्रिक प्रेशर कुकर 5 लीटर की कैपेसिटी वाला। इसके साथ है ये तीन बुकलेट्स, एक वेलकम बुकलेट है, दूसरी है रेसिपी बुकलेट। रेसिपी बुकलेट में बहुत सारी रेसिपीज दी गई है और जिस तरह की रेसिपी है उसके हिसाब से कुकिंग के इंस्ट्रक्शंस भी दिए गए हैं, तो ये बुकलेट काफ़ी हेल्पफुल है। इसके अलावा आप गीक रोबो कुक का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और मोबाइल पर रेसिपीज चेक कर सकते हैं। और फिर इसके साथ है यूज़र मैनुअल। तो इसमें जो पार्ट्स हैं उनके बारे में इसमें दिया गया है, ट्रबल शूटिंग अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है वो भी इसमें दिया गया है। तो चलिए देखते हैं कि इसके अंदर और क्या चीज़ें हैं और इसके फीचर्स। इस तरह से इसका ढक्कन खुलता है और अंदर आपको सारी एक्सेसरीज मिल जाएंगी। ये सारी पैकेज थी, मैंने सबके प्लास्टिक्स निकाल दिए हैं। इसके साथ आपको मिलेंगे सिलिकॉन मिटन्स, यानी जो अंदर इसके बोल दिया गया है, जब वो गर्म होगा उसे बाहर निकालने के लिए आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। काफी कम जगह में ये स्टोर भी किए जा सकते हैं। और फिर इसके साथ है एक छोटा सा मेजरिंग कप, इसमें कुछ मार्किंग्स दी गई है, उनके हिसाब से आप चीजें मेजर कर सकते हैं। इसमें ये राइस पैडल स्पून भी इंक्लूडेड है जिसके ऊपर टेक्सचर बना हुआ है, तो पका हुआ चावल निकालने के लिए ये स्पून है। और ये है पावर केबल 900 वॉट्स की। यहाँ पर आपको दिखेगा प्रेशर रेगुलेटर प्रोटेक्शन। तो जब हम कुकर में पकाते हैं जो नॉर्मल गैस स्टोव वाला होता है, तो किसी चीज़ से हम सीटी को उठाते हैं और भाप निकालते हैं, यहाँ पर ये बटन है। अगर आपको स्टीम निकालनी है तो आप इस बटन को मूव कर सकते हैं ताकि जो आपका हाथ है ये सेफ रहे। इसमें जो भी कुकिंग मोड्स हैं उनमें आपने इस सीटी को नीचे की तरफ रखना है, यानी बंद रखना है, एक्सेप्ट इडली मोड, उसमें सीटी ऊपर ही होनी चाहिए, यानी ओपन होनी चाहिए। ये सारे इंस्ट्रक्शंस आपको इसके यूज़र मैनुअल और रेसिपी बुक में भी मिल जाएंगे। ढक्कन को ओपन और क्लोज करना बहुत आसान है, साइड पर इंडिकेटर्स हैं, आप देख सकते हैं एरो। जब ओपन पे है तब आप लिड ओपन कर सकते हैं और क्लोज पे है तब क्लोज है। तो जब भी आप पका रहे हैं कुछ और प्रेशर बिल्ड होना चाहिए, उस वक्त ध्यान रहे कि लिड अच्छे से क्लोज पर हो। फिर यहाँ पर दिया गया है एंटी ब्लॉकेज वेंट। प्रेशर कुकर्स में एक वेंट तो होता ही है। साइड में जो भी स्टीम इकट्ठा होगा या फिर कोई लिक्विड अगर आ जाता है तो उसे इकट्ठा करने के लिए यहाँ पर एक साइड में कप भी दिया गया है, जिसे निकाल कर आप बाद में साफ भी कर सकते हैं। इस प्रेशर कुकर की पावर कॉर्ड डिटैचेबल है, मतलब जब आप इसे यूज नहीं कर रहे हैं तो आप इसे निकाल कर भी रख सकते हैं। इस कुकर के साथ आए हुए स्पून को आप साइड में इस स्लॉट में भी अटका सकते हैं। अब देख लेते हैं इसके कुकिंग ऑप्शंस। तो यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं ऑन ऑफ के अलावा भी, तो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर सेंटर में इसका डिस्प्ले और लेफ्ट राइट और बॉटम में बटन्स दिए गए हैं। ऑन और ऑफ से आप प्रेशर कुकर को ऑन और ऑफ कर सकते हैं। अगर आपने ऑलरेडी कोई ऑपरेशन सिलेक्ट किया है तो इस बटन से आप उसे कैंसिल कर सकते हैं, और फिर से दबाएंगे तो कीप वार्म सेलेक्ट हो जाएगा, यानी जो आपका खाना है वो गर्म रहे, ये वाला ऑप्शन। इसके अलावा डिले टाइमर है, जब आपका टाइमर स्टार्ट हो जाएगा, अगर आपको लगता है आपने पहले 5 मिनट सेट किए थे उसे 10 करना है, 10 किए थे 9 करना है, आप चेंज कर सकते हैं। नीचे ऑप्शन दिए गए हैं राइस, दाल, चना दाल, सांभर, पोंगल या खिचड़ी, इडली, तो जो आप पका रहे हैं उसके हिसाब से आप सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर जो आप पका रहे हैं उससे मिलती जुलती चीज़ के हिसाब से भी आप ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। सॉटी मोड पर आप बिना ढक्कन के ओपन कुकर में कुकिंग कर सकते हैं।
टेस्ट ऑप्शन से आप प्रेशर लेवल सिलेक्ट कर सकते हैं, क्विक, मीडियम या स्ट्रॉन्ग। जिस पर लाइट जल रही होगी वो ऑप्शन सिलेक्टेड होगा, उसके हिसाब से ऊपर आपको टाइम नजर आएगा। आप टाइम को कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। कैंसिल बटन पर क्लिक करके आप सिलेक्टेड ऑपरेशन को वहीं पर स्टॉप कर सकते हैं। इसके अलावा नॉनवेज के भी यहाँ पर साइड में कुछ ऑप्शंस हैं, तो जो आप पका रहे हैं उनके हिसाब से जो प्रीसेट टाइमर्स और प्रेशर है वो आपको स्क्रीन पर नजर आ जाएगा। उसमें भी आपको कुछ चेंज करना है तो आप उसे भी कर सकते हैं। प्लस माइनस वाले बटन से आप टाइम को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैनुअल मोड में आप मैन्युअली जो प्रेशर है वो सिलेक्ट कर सकते हैं टेस्ट बटन को यूज़ करके, और टाइमर सेट कर सकते हैं। इस इलेक्ट्रिक प्रेशर कुकर के ढक्कन के नीचे आपको एक एल्यूमिनियम प्लेट और गैस्केट नजर आएगी, तो एक साइड पे आपको छोटा सा हैंडल नजर आएगा, उसे खींच के आप इस प्लेट को बाहर निकाल सकते हैं, गैस्केट वॉश कर सकते हैं, प्लेट वॉश कर सकते हैं। तो काफ़ी आसानी से ये गैस्केट निकल आती है। गैस्केट अगर खराब हो जाए तो ये अलग से भी आपको ऑनलाइन मिल जाएगी। इस प्रेशर कुकर की जो बॉडी है जहां पर हीटिंग एलिमेंट है, इसे आप धोए नहीं, अगर इसमें कुछ गिर जाता है तो इसे बस पोंछ ले। अब देखते हैं एक डेमोन्स्ट्रेशन। तो सबसे पहले बिना ढक्कन की कुकिंग के लिए मैं सिलेक्ट कर रही हूँ सौते मोड। 30 सेकेंड के बाद जो आपका बर्तन है वो गर्म होने लगेगा, फिर डाले थोड़ा सा तेल। बाय डिफॉल्ट 30 मिनट्स का टाइमर सेट होता है सौते मोड पे, आप चाहें तो उसे बढ़ा भी सकते हैं। यहाँ पर मैंने 200 ग्राम पनीर लिया है मोटे मोटे टुकड़ों में कटा हुआ, और इन पनीर के पीसेस को मैं दोनों साइड पर फ्राई कर रही हूँ। जिस तरह से कढ़ाई में हम बनाते हैं बस सेम वही रेसिपी है, बस मैं इस प्रेशर कुकर में बना रही हूँ। अब उसी तेल में मैं डाल रही हूँ प्यूरे जो मैंने बनाई है, 2 टमाटर, 4 ब्यार्गी लाल मिर्च, 6 लहसुन की कलियाँ और थोड़े से अदरक के साथ। इसे हम भुनेंगे, और भुनना जो है ये प्रोसेस फास्ट करने के लिए हम इसे प्रेशर कुक करेंगे। तो हल्दी 1 टीस्पून, किचन किंग मसाला या फिर गरम मसाला आप डाल सकते हैं, और स्वाद के अनुसार नमक। इन सब चीज़ों को डाल के मैं इसे अच्छे से मिला रही हूँ। क्योंकि प्यूरे में कच्चा टमाटर है तो ग्रेवी का अच्छे से पकना बहुत ज़रूरी है, और ये प्रोसेस फास्ट करने के लिए मैं इसे प्रेशर कुक करने वाली हूँ। तो अच्छे से मिला लेने के बाद अब मैं इस पर लगा रही हूँ इसका ढक्कन। ढक्कन को अच्छे से बंद करना ज़रूरी है, और जो प्रेशर वाला बटन है आप देख रहे हैं वो राइट साइड में है स्क्रीन पे, यानी जो सीटी है वो नीचे है। मैं सिलेक्ट कर रही हूँ सांबर मोड, और इसमें मैं टेस्ट यानी प्रेशर सिलेक्ट कर रही हूँ क्विक। तो 5 मिनट का ऑटो टाइमर यहाँ पर आया है, इसे मैं बढ़ा या घटा नहीं रही हूँ। प्री कुकिंग के बाद आपको टाइमर नज़र आएगा, क्योंकि ये 5 मिनट का था, ये 5 मिनट से शुरू होगा, काउंट डाउन इस पर होगा। टाइम ख़त्म होते से ही बीप आवाज़ आएगी और आपको पता चल जाएगा कि आपका जो टाइमर है वो ख़त्म हो गया है, और ऑटोमेटिकली प्रेशर कुकर कीप वार्म वाले ऑप्शन पर यानी सेटिंग पर चला जाएगा। इसके बाद अगर आपको और नहीं पकाना है तो तुरंत आप कैंसिल बटन पर क्लिक कर सकते हैं। मैं इसे बंद कर रही हूँ और थोड़ी देर रख रही हूँ जब तक प्रेशर रिलीज ना हो जाए। प्रेशर रिलीज हो गया है, और प्रेशर रिलीज अगर नहीं हुआ होगा तो ढक्कन भी ओपन नहीं होगा। अब बस इस मसाले में थोड़ी बहुत और चीज़ें पड़ेंगी, इस थोड़ा सा पानी, 1 टीस्पून रोस्टेड कसूरी मेथी, इन्हें मैं अच्छे से मिला रही हूँ, और पनीर के पीसेस। आप चाहें तो इसमें मलाई, बटर या फिर शुरुआत में आप काजू का पेस्ट भी डाल सकते हैं। तो ये हमारा पनीर मसाला एकदम सिंपल वाला रेडी हो गया है इस इलेक्ट्रिक प्रेशर कुकर में। सौते मोड पर अगर मसाला ज़्यादा उड़ रहा है तो आप कीप वार्म वाला जो ऑप्शन है वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी डिलिशियस पनीर की ग्रेवी तैयार है, और मैं कुकर को कर रही हूँ बंद। आपको गीक रोबो कुक इलेक्ट्रिक प्रेशर कुकर की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़रूर लाइक करें और होम एंड मचमोर को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।